नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नकली खाद, बीज और कीटनाशक दवाई बनाकर किसानों के भरोसा दिलाकर, भ्रम में रखकर किसानों और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अन्य और दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 700 बोरी खाद और प्रतिबंधित कीटनाशक दवा की बरामद की गई है। गिरोह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में नकली खाद की सप्लाई करता था। दरअसल मामला पालदा रोड पर पिछले दिनों पुलिस ने नकली खाद बीज बनाने के मामले का खुलासा किया था, जहां आज अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पूछताछ में सामने ललित उर्फ प्रिंस द्विवेदी का नाम सामने आया था। आरोपी फरारी के दौरान भी लगातार कीटनाशक दवा और खाद की सप्लाई कर रहा था। आरोपी ललित और प्रिंस की गिरफ्तारी के बाद उसके करने साथी अभिषेक दुबे के गोडाउन पर भी छापामार कार्रवाई की गई है, जहां से 700 बोरी नकली खाद और प्रतिबंधित कीटनाशक दवाई 10 GB बरामद की है। जब खाद की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है, जहां ब्रांडेड खाद कंपनियों की इफको और UPL कंपनियों की फर्जी खाद की पैकिंग कर रहे थे और बाजार में बेच रहे थे, जहाँ किसानों सरकार को राजस्व का आर्थिक नुकसान पहुँचा रहे थे। फिलहाल पुलिस ललित उर्फ प्रिंस द्विवेदी और उसके साथी अभिषेक दुबे को गिरफ्तार कर लिया है, जहां धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। वो इस गिरोह से अन्य और भी सदस्यों की जानकारी पुलिस जुटा रही है, जहां महाराष्ट्र और राजस्थान में इस खाद की सप्लाई की जाती थी। थाने में पंजीबद्ध एक अपराध है, जिसमें नकली उर्वरक और मिलावटी कीटनाशक और डुप्लीकेट ब्रांड के कीटनाशक व बीजों को बेच करके किसानों को लगातार नुकसान पहुंचाने और राजस्व में भारी नुकसान करने के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसमें एक आरोपी फिलहाल प्रिंस त्रिवेदी फरार था, जिसके बारे में सूचना मिल रही थी कि फरारी के दौरान भी वो नकली कीटनाशक बनाकर और मार्केट में सप्लाई कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर से उसको रंगे हाथों 1.5 बोरी नकली कीटनाशक के साथ गिरफ्तार किया था और उसने जो सूचना दी थी कि मैं ये नकली कीटनाशक सांवेर स्थित एक गोडाउन में तैयार करता हूँ अन्य साथियों की मदद से। वहाँ पर जाकर जब हमारी पुलिस टीम ने चेक किया, तब वहाँ पर करीब 700 बोरी नकली कीटनाशक और प्रतिबंधित अन्य दवाएँ वहाँ पर मौजूद मिली थी और एक आरोपी अभिषेक दुबे नाम का वहाँ जो उस गोडाउन का संचालन उस समय कर रहा था उसको भी पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है कि गिरोह में और कौन कौन से लोग हैं जो नकली कीटनाशक और नकली उर्वरक बनाने का बेचने का काम कर रहे हैं। अब तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक इसमें विभिन्न राज्यों से और इंदौर और आसपास से करीब कुल 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि एक साथ मिली भगत कर नकली कीटनाशक, नकली खाद उर्वरक और नकली बीजों का काम करते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आप।